नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीदिबाट टीवी चैनल के जारी प्रोग्राम पैगाम फ़ुरक़ान की 113वीं किस्त मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सूरह बकरा की आज दो आयतें यानी आयत नंबर 120 और आयत नंबर 121 की हम तफसीर पेश करें। आइए तिलावत कर लेते हैं दोनों आयत की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तर्ज़ा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون। और तुमसे ना तो यहूदी कभी खुश होंगे और ना ही ईसाई, यहाँ तक कि तुम उनके मज़हब की पैरवी इख्तियार कर लो। उनसे कह दीजिए कि अल्लाह की हिदायत यानी दीन इस्लाम ही हिदायत है, और पैगंबर अगर तुम अपने पास इल्म यानी वही इलाही के आ जाने पर भी उनकी ख्वाहिशों पर चलोगे तो तुमको अल्लाह के अजाब से बचाने वाला ना कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार। जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है, किताब इनायत की है यानी कुरान इनायत की है, वो उसको ऐसा पढ़ते हैं जैसा उसके पढ़ने का हक है, यही लोग उस पर ईमान रखने वाले हैं, और जो उसको नहीं मानते वो खसारा पाने वाले हैं। नाज़रीन गिरामी, कहा गया वलन तर्ज़ा अंकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, और तुमसे ना तो यहूदी कभी खुश होंगे और ना ईसाई, यहाँ तक कि तुम उनके मज़हब की पैरवी इख्तियार कर लो। तदब्बुरे कुरान जिल्द अव्वल में मौलाना अमीन अहसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इस आयत में मिल्लत का जो लफ्ज़ आया है उसके असल माने तरीक़े के हैं, लेकिन इससे किसी शख्स या ग्रोह का वो तरीक़े ज़िंदगी मुराद होता है जिसकी बुनियाद मज़हब और रिवायात मज़हब पर हो। फिर आगे फरमाया गया कुल इन हुदल्लाहि हुवल हुदा, उनसे कह दो कि खुदा की हिदायत यानी दीन इस्लाम ही हिदायत है, यानी दीन इस्लाम ही असली हिदायत है, और सीधी राह एक ही है जो जन्नत में ले जाती है, इसके सिवा तमाम राहें सिरात मुस्तकीम से भटका देती हैं। कुरान की छठी सूरह सूरह अनाम की आयत नंबर 153 में इरशाद फरमाया गया व अन्न हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउहु वला तत्तबिउस्सुबुला फतफर्रक बिकुम अन सबील। और देखो यही दीन इस्लाम मेरी सीधी राह है, लिहाजा इस पर चलते रहो और इसके अलावा दूसरी राहों के पीछे न जाओ, वरना वो तुम्हें अल्लाह की राह से जुदा कर देंगे। फिर आगे इरशाद फरमाया गया आज की तफसीर पेश करने वाली आयत में कि वलइन तबअत अहवाअहुम बादल्लज़ी जाअक मिनल इल्मी मालक मिनल्लाहि मिन वलीयिन वला नसीर। और ऐ पैगंबर, अगर तुम अपने पास इल्म यानी वही खुदा के आ जाने पर भी उनकी ख्वाहिशों पर चलोगे तुमको अज़ाब खुदा से बचाने वाला
ना कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार। अगरचे ख़िताब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, मगर इसमें तहदीद तमाम उम्मत मुस्लिमा को क़्यामत तक के लिए है। तफहीमुल कुरान जिल्द अव्वल में साहिब तफहीमुल कुरान लिखते हैं, मतलब ये है कि इन लोगों यानी यहूद व नसारा की नाराज़ी का सबब ये तो है नहीं कि वो सच्चे तालिब इल्म तालिब हक़ हैं और तुमने उनके सामने हक़ को वाज़ करने में कुछ कमी की है। वो तो इसलिए तुमसे नाराज़ हैं कि तुमने अल्लाह की आयात और उसके दीन के साथ वो मुनाफिकाना और बाजीगराना तर्ज़ अमल क्यों ना इख्तियार किया। खुदा परस्ती के पर्दे में वो खुद परस्ती क्यों ना की। दीन के उसूल अहकाम को अपने तख़य्युलात या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ढालने में इस दीदा दिलेरी से क्यों ना काम लिया। वो रियाकारी और गुंदम नुमाई और जो फरोशी क्यों ना की जो खुद उनका अपना शेवा है। लिहाजा उन्हें राज़ी करने की फ़िक्र छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम उनके रंग ढंग ना इख्तियार कर लोगे, दीन के साथ वही मामला ना करने लगोगे जो खुद ये करते हैं, और अकायद व आमाल की उन्हीं गुमराही में मुब्तिला ना हो जाओगे जिनमें ये मुब्तिला हैं, उस वक्त तक उनका तुमसे राज़ी होना महाल है। तैसीरुल कुरान जिल्द अव्वल में मौलाना अब्दुर्रहमान गीलानी लिखते हैं, यहाँ मिल्लत से मुराद वो दीन नहीं जो तौरात में इंजील में मस्कूर है, बल्कि वो दीन है जिसमें वो सब खुराफात भी शामिल हैं जिन्हें उन लोगों ने दीन समझ कर रखा है, और रंग ढंग भी जो ये लोग इख्तियार किए हुए हैं। लिहाजा उन्हें खुश रखने की फ़िक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप अकायद व आमाल की उन्हीं गुमराही में मुब्तिला ना हो जाएंगे जिनमें पड़े हुए हैं, उस वक्त तक उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी होना महाल है। फिर इसी आयत में आगे फरमाया गया अगली आयत में, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक तिलावतिहि उलाइक युमिनून बिह। जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है वो उसको ऐसा पढ़ते हैं जैसा उसके पढ़ने का हक है, यही लोग उस पर ईमान रखने वाले हैं। अगरचे सियाक व सबाक से यहाँ अलकिताब से मुराद तौरात है, ताहम इससे मुराद अल-कुरान भी है। तमाम आसमानी किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई, उनकी तिलावत का हक उस वक्त अदा होगा जबकि उनके हकाम को हिर्ज़े जा बनाया जाए। हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ तफसीर अहसनुल बयान में लिखते हैं, अहले किताब के नाखलफ लोगों के मजमूम अखलाक व किरदार की ज़रूरी तफसील के बाद उनमें जो चंद लोग साले और अच्छे किरदार के थे, इस आयत में उनकी खूबियाँ और उनके मोमिन होने की खबर दी जा रही है। उनमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु और उन जैसे दीगर अफराद हैं जिनको यहूदियों में से कबूल इस्लाम की तौफीक मिली थी। मालूम हुआ कि जिन अहले किताब ने तौरात हकीकी ना के तहरीफ शुदा की तिलावत का हक अदा किया, जो इस वक्त है वो तो असल है नहीं, जो उस वक्त तौरात थी जिसमें तहरीफ नहीं हुई थी उसकी तिलावत का हक अदा किया, उन्हें वहाँ से भी रोशनी मिली, फिर वही रोशनी उन्हें कुरान हकीम में मिली जो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। इस आयत में आगे इरशाद फरमाया गया, वमन यकफुर बिही फउलाइक हुमुल खासिरून, और जो इसको नहीं मानते वो खसारा पाने वाले हैं। किताबे इलाही से कुफ्र ये है कि उसके अहकाम को नज़रअंदाज कर दिया जाए और ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी की जाए। तो नाज़रीन गिरामी, इसकी तफसीर ये थी। तो इन आयात मुबारका से हमें क्या हिकमत मिलती है, हमें क्या बसीरत मिलती है, हमें क्या सबक लेना चाहिए? नंबर एक ये है कि हकीकी इल्म व मारिफत का सरचश्मा वही इलाही है जो इंसानों को अंबियाए किराम के ज़रिए हासिल हुआ। नंबर दो, इंसानों की गुमराही का सबब ख्वाहिशात की पैरवी है। शैतान की सड़तोड़ कोशिश ये होती है कि वो इंसानों को हिदायत इलाही से महरूम कर दे। नंबर तीन, यहूद व नसारा की गुमराही का सबब भी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी बना, गोया कि उन्होंने शैतान की रिफाकत इख्तियार कर ली और इस गुमराही में वो दूसरों को भी शामिल करने की सहाय व जस्तजू करते हैं।
आयत मुबारक पर फिर गौर कीजिए, वाज़े और वाशगाफ अल्फाज में बताया जा रहा है, वलन तर्ज़ अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। यहूद और नसारा हरगिज़ हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप उनके हमनवा और साथी ना बन जाएं। लन इस दवाम उस दवाम और हमेशगी की तरफ इशारा है। इनमें मुसलमानों और इस्लाम के लिए बुग़्ज़ और अदावत कूट कूट कर भरी हुई है, जिसका मुशाहिदा हम सब अपने आँखों से कर रहे हैं। और आज तो सारी बातिल ताकतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठा हो चुकी हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ इकट्ठा हो चुकी हैं। मगर अफसोस के मुसलमान अल्लाह की किताब को छोड़कर गफलत का शिकार हो रहे हैं, जिसके नतीजे में उस जलील व ख़ार भी हो रहे हैं। नंबर चार यह है कि हमारे पास तो इल्म हकीकी कुरान हकीम और सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। इस कीमती सरमाए से सरफ़ नज़र करके कैसे कामयाबी मुमकिन हो सकती है। नंबर पाँच यह है कि तिलावत किताब का हक यह है कि उसे कल्ब सलीम के साथ तदब्बुर और तफक्कुर करते हुए हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ा जाए और उसके अहकाम पर सिदक़े दिल से अमल पैरा होने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। अल्लाह ताला की तरफ से इखलास की राह इख्तियार करने वालों को ही हिदायत और इस्तिकामत नसीब होती है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।